हम हाफ एडर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको अभी तक बता दिया था कि जो हाफ एडर है उसमें हमारे दो इनपुट होते हैं और दो ही क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। आउटपुट एक हमें सम बताएगा और दूसरा हमें कैरी बताएगा। अब हम उसकी ट्रुथ टेबल देख रहे थे, जिसमें हमने दो इनपुट लिए थे, एक सम के लिए लिया था और एक कैरी से लिया था, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे और कॉम्बिनेशन देख रहे थे कि इस पर हमें सम की वैल्यू क्या मिलेगी और कैरी की वैल्यू क्या मिलेगी। अब आखिरी जो हमारा इनपुट का कॉम्बिनेशन था वो था 1 और 1, इस पर सम कितना मिलेगा, 0 0 0, कैरी 1 1। क्लियर हो गई? yes. इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने ट्रुथ टेबल बना ली, अब हमें क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए होगा, ताकि हमें पता लग सके कि सम का क्या एक्सप्रेशन आएगा और कैरी का क्या एक्सप्रेशन आएगा। अब ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एसओपी फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा या पीयूएस। एसओपी का मतलब क्या होता है, सम और प्रोडक्ट, और पीयूएस का मतलब। तो एसओपी के लिए हमें पता है कि जो आउटपुट होता है जहां पर भी उसकी वैल्यू 1 होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसके कॉम्बिनेशन को लिख देते हैं और हमारा एक्सप्रेशन मिल जाता है। ठीक है, या तो हम उसे केमैप की सहायता से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो सम है उसके लिए एक वैल्यू यहाँ पर 1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनपुट है उनकी क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो उसको हम इस लिखेंगे तो ये बनेगा ए बार बी, और दूसरा कॉम्बिनेशन है इसमें क्या बनेगा, ए बी बार। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, उसी तरीके से हम कैरी के लिए भी एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, और कैरी के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, कहां पर आउटपुट कहां बना है, जहां पर हमारा इनपुट दोनों बन रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसमें किसी को कोई समस्या, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला काम हो गया, हमने इनपुट और आउटपुट पता कर लिए, उसका ट्रुथ टेबल बना लिया, उसके एक्सप्रेशन निकाल लिए। अब इन एक्सप्रेशंस की मदद से हम हाफ एडर का जो सर्किट है उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब ये मुझे बताओ ये कौन सा गेट है, एक्स और गेट है। ठीक है ना, और ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। ठीक है, तो अब ये आपको पता लग गया है कि एक्स और गेट और एंड गेट के मदद से हम हाफ एडर को डिजाइन कर सकते हैं। मैं इधर से बता दूं इसको, तो बनाने का तरीका आपको पता है कि हमारे दो इनपुट हैं, ठीक है, ये हमारा एज नॉट गेट आ गया। उसी प्रकार यहां से हम इन इनपुट्स को दोबारा से लेंगे, ठीक है, और एक एंड गेट, ये हमारा इनपुट ए है, ये हमारा इनपुट बी है। तो यहाँ पर बताओ कौन क्या मिलेगा, सम मिलेगा या कैरी, सम मिलेगा, तो इसको हम यहाँ सम, और यहाँ क्या मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारा हाफ एडर हो गया विद द हेल्प ऑफ एक्सोर गेट और एंड गेट। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या, कोई समस्या? अब आपका होमवर्क है जो आप कल करके लाओगे, हाफ एडर को आपको इंप्लीमेंट करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ नेट गेट। नेट गेट की सहायता से आपको हाफ एडर कल बना के लेके आना है, कोशिश करो, अगर आप बना ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते तो करके लाना, हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से नेट गेट की सहायता से हम हाफ एडर बना सकते। Thank you.